हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। ये एक स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स है मेरे पास, डिलीवर हुआ है। तो ये जो स्मार्टफोन है वो है यू यूरेका ब्लैक। आपने इसके बारे में सुना होगा, कुछ एक महीना हुआ है इसे लॉन्च हुए। यू जो है वो माइक्रोमैक्स की ही एक सिस्टर वेंचर जो कह सकते हैं आप, उसकी एक कंपनी है। तो बेसिकली ये ऑनलाइन ही सेल करती है फोन, ऑफलाइन सेल नहीं करती है ये फोन। ऑफलाइन के लिए जो है वो माइक्रोमैक्स ही है। तो कुछ महीनों से इनके स्मार्टफोन लॉन्च नहीं हो रहे थे, ऐसी खबर भी आ रही थी कि मतलब ये अभी कोई भी स्मार्टफोन नया नहीं लाएंगे, लॉन्च नहीं करेंगे। बट ये खबर आई कि नहीं, यू यूरेका ब्लैक करके एक फोन आने वाला है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको उसके फीचर्स बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, कुछ इनिशियल हैंड्स ऑन होंगे, देन दूसरे वीडियो में मैं आपको इसके रिव्यूज वगैरह के बारे में बताऊंगा। चलिए पहले तो ये जो फ्लिपकार्ट का बॉक्स है इसे ओपन करते हैं। तो आपके पास अगर ये फोन, आपने इसे ऑर्डर किया और ये फोन डिलीवर हो रहा है, और आपको अगर इसे जब आप इसे ओपन कर रहे हैं तो ये जो पहला जो पेज देख रहे हैं आप, क्योंकि आपका फोन यहीं से ओपन होगा, तो ये जो आपका पेज है यहाँ पर कुछ उनके बारकोड और आपका नेम का नेम एंड एड्रेस एंड बिलिंग इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसे जरा संभाल के ओपन कीजिए। तो लीजिए, हमारा ये बॉक्स ओपन हो गया है। इसे हम ओपन कर देते हैं। तो अंदर तो इनका बबल रैप में आपका जो फोन है वो है, ताकि ये डैमेज ना हो, तो इसे निकाल लेते हैं और ये फ्लिपकार्ट के बॉक्स को साइड में रखते हैं। तो चलिए हमारे फोन को अनकवर कर लेते हैं इस बबल रैप से। रही बात, ये भी आप यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेस बस्टर, तो पता ही होगा। हाँ, तो ये आपके सामने एक यू यूरेका ब्लैक है। पहले तो मैं आपको इस बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो फोन मिलेगा, कुछ इस तरीके का होगा। और इस ये जो फोन है यू यूरेका ब्लैक, ये बेसिकली दो वेरिएंट में है। डिजाइन का जो वेरिएंट है वो है, एक है क्रोम ब्लैक और दूसरा है आपका मैट ब्लैक। तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो है क्रोम ब्लैक। देन राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो फोन का नाम लिखा हुआ है, मैं फोकस कर देता हूँ, यूरेका ब्लैक। देन इसके सेकंड साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी यूरेका ब्लैक लिखा हुआ है। बॉटम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इनके प्राइसिंग वगैरह दी हुई है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसका प्राइस जो बता रहा है वो 11,000 है, हालांकि ये आपको 9,000 में मिल जाएगा। का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। देन यहां पर कुछ आपको सार वैल्यू दी हुई है, देख सकते हैं आप। 1.15 है हेड के लिए एंड 1.73 है बॉडी के लिए। ये दोनों परमिसेबल लिमिट में ही है। देन यहां पर जो 11,000 दिया हुआ है आपको 9,000 में मिल जाएगा। मेड इन इंडिया है, आप देख सकते हैं। टॉप पे आप देखेंगे तो इसका यू का ब्रांडिंग है, उसका मॉडल नंबर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे तो इसका मॉडल नंबर जो है U5040 है। देन इसके कुछ बैंड्स दिए हुए, तो जिसके आप देखेंगे GSM है ये इसमें, जो नॉर्मल आपका कॉलिंग के लिए यूज होता है। देन WCDMA है, LTE भी सपोर्ट करता है, ये VoLTE भी सपोर्ट करेगा। ये जो फोन है आपका वो डुअल सिम है बेसिकली। डुअल सिम फोन आपको डुअल सिम मिलता है। देन उसके बाद 4G वगैरह सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको कलर वेरिएंट दिया हुआ है कि क्रोम ब्लैक है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला जो आपका है ये कवर, इसमें से आप स्लाइड करेंगे तो आपका फोन बाहर आ जाएगा। ये भी एक दूसरा बॉक्स है।
इस बॉक्स को हम बाजू में रख देते हैं। सो यू का ब्रांडिंग हम इसे ओपन करते हैं। 1, 2 एंड 3। सो ये आपका फोन आ गया। तो चलिए पहला तो आपका फोन ही है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये फोन जो है कुछ इस तरह से प्लास्टिक में पूरा रैप है, तो इसे हम बाद में देखते हैं, पहले कुछ और कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स के। देन ये सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है इनका, सो बेसिकली जो आपकी सिम ट्रे होगी उसे निकालने के लिए ये सिम इजेक्टर टूल है इनका। देन ये कुछ बॉक्स है इनका, देख लेते हैं। नॉर्मली तो इसमें इनकी कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन वगैरह ही होती है। सो एक अच्छा गेस्चर है कि आपको इसमें कुछ चीजें भी मिली हैं। तो जैसे कि पहले आप देख सकते हैं एक सिलिकॉन केस दिया हुआ है आपको। ओके, सो बहुत अच्छी बात है, मतलब क्योंकि इसका ये जो मैंने लिया है फोन ये क्रोम ब्लैक है, तो क्रोम ब्लैक जो होता है वो फिंगरप्रिंट इस वजह से उस पर बहुत आती है। तो मतलब अगर आप इनिशियली कोई कवर बाय नहीं किए हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं, मतलब माइक्रोमैक्स की यू की तरफ से आप कह सकते हैं एक अच्छा मतलब इनिशियल बंडलिंग में दिया हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का आपका जो नॉर्मल होता है आपका ट्रांसपेरेंट कवर, इस तरह से कवर होगा, तो एक अच्छी चीज है। देन सेकेंड ये कुछ यूजर गाइड है, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। स्क्रैच गार्ड भी आपको दिया हुआ है, हालांकि इस फोन में गोरिल्ला ग्लास करके, मतलब जो आपको पता होगा गोरिल्ला ग्लास एक प्रोटेक्शन होता है ग्लास का, वो दिया हुआ है, बट आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो स्क्रैच गार्ड है, ये भी अच्छी बात है। देन फिर बॉक्स का एक और कंटेंट देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको इस ये जो 9000 का फोन है, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको फोन ही मिला है, आपको दोनों स्क्रैच गार्ड एंड कवर के साथ। देन ये इसका पावर ब्रिक है, देन इसका यूएसबी केबल है, सो आप इसे डेटा ट्रांसफर के लिए या चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नॉर्मल वाला केबल है जो आपका है, यूएसबी टाइप सी नहीं है। देन इसमें आपको हेडफोन भी दिया है, इन ईयर हेडफोन है, और इसमें आई थिंक आपको ओपन कर लेते हैं। ओके, सो इसमें कॉल पिक एंड कैंसिल के लिए बटन भी दिया हुआ है एंड माइक भी दिया हुआ है, सो आप इसे यूज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस फोन में आपको चार्जर, देन आपको हेडफोन, फोन जो कि आपको मिल गया है, देन उसके बाद उस फोन को प्रोटेक्शन के लिए एक आपका बैक कवर है एंड स्क्रैच गार्ड है। ओके, सो टोटल ये चीजें आपको मिलती हैं। सो चलिए ये सब चीजें साइड हटा देते हैं और फोन की तरफ आते हैं। सो ये फोन है, इसकी प्लास्टिक है, हमें इसे निकाल लेते हैं। पैकेजिंग कुछ अलग टाइप का है, तो जरा आप संभाल के निकालिए। सो ये आपका कवर निकल गया और ये आपके सामने फोन है, ये देख लीजिए आप, फोकस कर देता हूँ। तो फोन जो है बहुत ही प्यारा दिख रहा है, इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी है, एक प्रीमियम फोन की तरह दिख रहा है। मैं आपको इसके साइड से बैक से भी बता देता हूँ। सो बैक में अगर आप देखेंगे इनकी कुछ वार्निंग एंड
कुछ लाइसेंस वगैरह दिया हुआ है, देन अगेन सार वैल्यू है, देन इनका कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको सिम कहाँ से डालना है, सिम वन कहाँ से डालना है, सिम टू कहाँ से डालना है, ट्रे कहाँ पर है। सो इसे जब आप निकाल देंगे तो ये फ़ोन और आपको अच्छे से दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, इस फ़ोन में आपको मिलता क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोन में आपको एक जो अच्छी बात है, आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन। सो ये कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 430 है, जो कि आपको बहुत से फोन में इसी बजट रेंज के फोन में मिलता है, जैसा कि रेडमी का रेडमी 3S आया था इससे पहले, उसमें भी ये था, बट जो अभी रेडमी 4 आया है उसमें 435 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनका एड्रिनो का। सो इसमें स्नैपड्रैगन 430 मिलता है। देन आपको इसमें जो एक खास बात है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का नया वर्जन तो नहीं है, क्योंकि ये तो एक बजट रेंज से भी कम रेंज वाला फ़ोन है। सो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। देन आपको जो स्क्रीन मिलती है इसकी फुल HD मिलती है, हालांकि जो साइज है इसका वो 5 इंच का है, तो 5 इंच। देन यहाँ पर आपको 4G VoLTE सपोर्ट है, जो मैंने आपको बताया था। देन सेल्फी कैमरा विथ फ्लैश, तो ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको फोन की बॉडी के बारे में बताऊंगा। सो इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा मिलता है वो एक फ्लैश के साथ मिलता है। ओके, सो टू पॉइंट फाइव डी इसमें कर्व्ड स्क्रीन है, तो जो जैसे कि आपने बहुत से फोन देखे होंगे वो साइड से ये 2.5D कर्व रहेगा। सो आपने देख लिया ये फुल HD स्क्रीन है इसकी यहाँ पर, और जो स्क्रीन का पैनल है वो IPS LCD है, AMOLED नहीं है ये। देन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। देन 4G VoLTE सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर है। इंटरनल्स की बात कर लेते हैं आगे, 4GB RAM में आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, इस रेंज में आपको कोई फ़ोन में नहीं मिलती है। देन आपको 32GB ROM है, जो इंटरनल जो मेमोरी होती है आपकी वो भी है, एक्सपांडेबल अप टू 64 GB का तक का कार्ड आप लगा सकते हो। देन जो बैक कैमरा है उसका 13 MP का कैमरा आपको मिल रहा है फ्लैश के साथ। देन फ्रंट कैमरा जो है आपका वो 8 MP है, उसे भी आपको फ्लैश दिया हुआ है। बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट बहुत कम भी नहीं है, 3000 mAh की बैटरी मिल रही है आपको। सॉफ्टवेयर की बात करें तो थोड़ा पुराना है, जैसे अगर आप आज चेक करें तो ये है एंड्रॉयड मार्शमेलो पे, वो भी हम चेक कर लेंगे कौन सा वर्जन है। देन इसका जो बॉडी है वो मेटल यूनिबॉडी, मतलब आपको मेटालिक बैक मिलता है, आपको मेटालिक यूनिबॉडी है, और आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। तो चलिए फोन की तरफ बढ़ते हैं और इसे चेक करते हैं कि कितना सही है। सो ये फोन की जो आपकी स्क्रीन है ये 5 इंच की स्क्रीन है आपकी, ये IPS LCD है। देन यहाँ पर आपको जो कैमरा मिल रहा है ये आपका 8 MP का फिक्स फोकस कैमरा है, ओके, ऑटो फोकस नहीं है। देन ये आपको सॉफ्ट फ्लैश मिला हुआ है सेल्फी वगैरह खींचने के लिए। देन जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो कह रहे थे, तो ये जो आपका बटन है यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है इन लोगों ने। अगर आप देखेंगे सो इसको स्क्रीन से जब आप नीचे ऐसे चेक करेंगे तो एक आपको हल्का सा स्मूथनेस मिलेगा, मतलब आपकी जो फ्लैट स्क्रीन होती है, नॉर्मली अगर आप कोई फोन देखेंगे तो उसकी फ्लैट स्क्रीन है तो इस तरह से नहीं होती, वो यहाँ पर आके स्टक हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ, तो ये यहाँ पर स्मूथ सा आपको लगेगा। देन आप राइट में अगर आप देखेंगे सो राइट में आपको ये जो है ये पावर स्विच मिलता है, एंड यहाँ पर आपको ऊपर वॉल्यूम रॉकर मिलते हैं। बैक में अगर आप देखेंगे सो बैक में ये जो कैमरा है आपका 13 MP का रेयर कैमरा है, ऑटो फोकस विथ 2 LED फ्लैश है। ये जो आपका है बेसिकली इसे उन लोगों ने मेटालिक कहा है, ये जो आपका साउंड से आपको समझ में आएगा, जो ऊपर और नीचे दिया हुआ है एंटीना बैंड के ऊपर और नीचे दिया हुआ है ये प्लास्टिक है। देन आप इसके लेफ्ट में अगर आप देखेंगे सो लेफ्ट में आपको सिम ट्रे मिलती है। सो ये वैसे तो फुल ब्लैक है, इतना समझ में नहीं आएगा, सो यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिलती है। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, ये हमारा जो सिम इजेक्टर टूल है इसे बता देता हूँ। तो ये ट्रे बाहर आ गई, सो ये हमारे पास सिम इजेक्टर टूल से ट्रे बाहर आ गई है। देन हम टॉप पे अगर देखेंगे सो टॉप में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। ओके,
बॉटम में अगर आप देखेंगे तो आपको यूएसबी मिलता है जो कि टाइप सी नहीं है। देन स्पीकर की कुछ ग्रिल्स दी हुई है। सो इसमें से मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, एक जो होगा वो आपका माइक्रोफोन होगा, इसी ग्रिल में छुपा होगा, दूसरा आपका साउंड के लिए होगा। ओके, सो ओवरऑल अगर आप डिजाइन देखेंगे सो डिजाइन के हिसाब से ये फोन तो प्रीमियम लुकिंग दिख ही रहा है, मतलब इस बजट में ये फोन ठीक ठाक है। प्लास्टिक आपको जो मेटालिक बॉडी दी हुई है, दूसरी चीज जो साइड में इसको जो राउंडेड एजेस दिए हुए हैं उसकी वजह से ये हाथ में ग्रिप करने के लिए भी अच्छा है, बहुत कॉम्पैक्ट दिखता है। 5 इंच का स्क्रीन है और जो इस तरह से ग्रिप दी हुई है तो आप हाथ में लेंगे तो ये बहुत कॉम्पैक्ट दिख रहा है। अगर ये 5.5 भी रखते हैं तो ये हाथ में सही लगता। इसका थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, हालांकि इसकी थिकनेस जो 8.7 mm है और हमारा जो Redmi 4 है वो 8.6 है, तो इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.1 mm का फर्क है। हम इसे इसका जो इंटरनल से सॉफ्टवेयर वगैरह है तो इसे हम फर्स्ट बूट करके देख लेते हैं। सो इसे हम बूट करते हैं। सो ये बूट हो चुका है। यूरेका ब्लैक आपको कंपनी का लोगो मिल, फोन का नाम मिल गया है, देन पावर्ड बाय एंड्रॉइड आपको मिल गया है। ये फोन बूट हो रहा है। सो हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फिर वापस आते हैं। तो ये सेटअप हो चुका है। सो ये इसका होम स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। सो जो कलर सेचुरेशन वगैरह है आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है, हालांकि मैंने इसे एकदम लो पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्राइटनेस। तो ये एकदम लो पे है। देन आप देख सकते हैं कोई सिस्टम अपडेट भी आई है, मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। सो इसका इंटरफेस है थोड़ा कस्टमाइज है बट इतना हैवी नहीं है, स्टॉक एंड्रॉयड जो होता है उसी तरह से। तो ये आप देख सकते हैं इतना ब्लोटवेयर, जो ब्लोटवेयर मतलब जो अलग से एप्स वगैरह आते हैं वो इतने नहीं है, ये आप देख सकते हैं। देन आपको यहाँ पर कैपेसिटी बटन मिल जाती है, सो ये आप देख सकते हैं, ये आपका बैक है, ये होम है और ये ओपन एप्स है। ओके, देन हम स्टोरेज वगैरह पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। सो सेटिंग्स में हम जाते हैं, सेटिंग्स में हम अबाउट फोन में जाते हैं। अबाउट फोन में आप अगर देखेंगे सो यह मॉडल नंबर आपको दे दिया है, देन एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 6.0.1 है, मार्शमेलो दिया हुआ है आपको। सिक्योरिटी पैच लेवल जो अपडेट होती है बेसिकली एंड्रॉयड के मोबाइल एंड्रॉयड फोन पे आती है गूगल की तरफ से, वो मार्च का है। देन इंटरनल स्टोरेज जो दिया हुआ है अगर आप देखेंगे 32 GB है, रैम जो है आपका वो 4 GB है, प्रोसेसर का जो नाम होता है बेसिकली MSM 8937 जो कि बेसिकली आपका स्नैपड्रैगन 430 है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि ये जो रैम और रोम है उसमें से कितना आपको मिल रहा है। तो स्टोरेज में अगर आप जाओगे सो जब बूट आप करते हो सो 32 GB में से 9.45 GB जो है वो यूज हो चुका है और आपको अवेलेबल 22.5 GB मिल रहा है जो कि बेसिक सही है। इंटरनल स्टोरेज ज्यादा है तो आप जो हैवी गेमर्स वगैरह है वो यूज कर सकते हैं। देन आप रैम की अगर बात करेंगे सो 1 GB जो है वो आपका यूज हो रहा है, आपको अगर आप देखेंगे सो 2.5 GB जो है वो बचा हुआ है, सो मल्टीटास्किंग के लिए भी काफी अच्छा है। सो दोस्तों ये था फोन का इनिशियल अनबॉक्सिंग एंड जो हैंड्स ऑन एंड इसके जो इम्प्रेशन थे वो मैंने बताया है आपको। इसके जो इसका रिव्यू है वो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और दूसरी चीज़ एक और है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि जो Redmi 4 है उसके कंपैरिजन में ये क्या है, कैसा फ़ोन होगा। बेसिकली आपको एक बात बता दूं कि ये फ़ोन जो है आपका 9000 की रेंज में, Redmi जो 4 जो है आपका 7000 की रेंज में है, देन उसके आगे एक वर्जन आपका 9000 है एंड एक आगे वर्जन। सो बेसिकली 16 GB रोम, 2 GB रैम, 32 GB रोम, 3 GB रैम एंड 4 GB रैम एंड 64 GB रोम। सो अगर आप 9000 में वो फ़ोन लेने जाएंगे तो आपको 32 GB रोम तो मिलेगा बट रैम आपको 3 GB मिलेगा, यहाँ पर आपको 4 GB मिल रहा है। दोनों ही फ़ोन अपने हिसाब से अच्छे हैं, दोनों की स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट
कट टू कट है। डील ब्रेकर खाली इतना ही है कि शाओमी का जो रेडमी 4 है, हालांकि अगर आप 10,000 में लेने जा रहे हैं तो फिर आप तो रेडमी नोट 4 ले सकते हैं, बट शाओमी का जो रेडमी 4 है उसका प्रॉब्लम ये है कि फ्लैश सेल, तो फ्लैश सेल में वो मिल नहीं पाता है। नॉर्मली जो फोन अगर 7,000 या 9,000 वाला पब्लिक ले रही है, मैंने अभी तक देखा है लोगों को कि वो रेडमी 4 ले नहीं पा रहे हैं, 6,000-7,000 सेल में ट्राई कर रहे हैं, देन रेडमी 4 रहे हैं वो लेना चाहते हैं वो भी नहीं मिल पाता है उन्हें, बट पब्लिक लोग सोचते हैं कि उसमें 425 स्नैपड्रैगन आपको मिल रहा है, इसमें 435 मिल रहा है और 1,000 में वो अच्छा फोन हो जाएगा, बट लोगों को मिल नहीं पा रहा है। सो उसी का यूज करके कुछ जो OEM होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो अपने फोन निकालते हैं, तो जैसे कि आप इंटेक्स का देख सकते हैं, देन लावा निकालता है, बट उन सबसे मैं कहूंगा कि माइक्रोमैक्स या जो यू के फोन, खासकर जो यू ने फोन निकाला, जो पास्ट में भी निकाला इन्होंने, यू यूरेका इन्होंने पहले निकाला था, देन इनका यू यूनिक था, सो ये जो फोन है काफी अच्छे होते हैं जो सैनोजेन मोड के साथ पहले निकले थे। सो अगर आप को एक डिसेंट फोन चाहिए और फ्लैश सेल से आप परेशान हैं तो आप ये फोन ले सकते हैं, इसमें आपको 9,000 के रेंज में बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन, तो हाई लेवल स्पेसिफिकेशन तो इसमें भी नहीं है, बट आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल रहा है, आपको जो ऑन पेपर इसके स्पेक्स है 8 मेगापिक्सल, देन बैक 13 मेगापिक्सल, सेल्फी फ्लैश आपको मिला है, 4 GB RAM है 430 का। बड़ी बात यह है कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें एंड 5 इंच का स्क्रीन है, तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसका थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, तो ये IPS LCD है, तो इसका व्यूइंग एंगल भी ठीक ठाक है क्योंकि फुल HD दिया हुआ है आपको, तो अगर आप देखेंगे तो व्यूइंग एंगल भी इनका काफ़ी ठीक है। हालांकि रेडमी 4 जो है वो आपको 720p 1280x720p, मतलब जो नॉर्मल HD होता है वही दिया हुआ है आपको। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, बट स्पेक वाइज देखेंगे दोनों फोन अच्छे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव में अगर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सेकेंड चीज, बहुत से लोगों ने कहा है कि कॉपी फोन है, कॉपी फोन नहीं लेना चाहिए, वीको करके एक फोन का ब्रांड है उसने फोन निकाला था, तो मैं कहूंगा कि कॉपी फोन तो बहुत से होते हैं। अगर आप इसका बैक देखेंगे तो बहुत से फोन का इस तरह से डिजाइन, मीजू जो है वो इस तरह का ही डिजाइन निकालता है। सो फोन तो एक मैन्युफैक्चरर दूसरे के फोन का कॉपी करता ही है, हमें बजट रेंज अगर कोई ले रहा है तो उसका मेन मोटो यही होता है कि कम पैसे में उसे, खासकर इंडियन मार्केट में कम पैसे में उसे अच्छे स्पेक्स मिले और उसका काम हो जाए। सो ये जो यू ने इतने दिन बाद, हालांकि लोगों ने सोचा था कि ये फोन नहीं निकालेगा, जो यूरेका ब्लैक निकाला, तो ऑन पेपर स्पेक्स तो इसके काफी अच्छे हैं। सो इसके जो फुल रिव्यू है वो उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा, सो आप बने रहिए इस चैनल पे, देन इसका कंपैरिजन कुछ दूसरे फोन के साथ इसी के सेगमेंट में, देन इसका गेमिंग, क्योंकि 4 GB RAM है, 430 स्नैपड्रैगन है, तो ये गेमिंग जो होती है गेम के जो लवर है उनके लिए भी काफी अच्छा हो सकता है, देन इसका कैमरा एंड वीडियो रिव्यू वगैरह भी मैं चेक करूंगा और वीडियो पे डालूंगा। सो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे कमेंट में बताइए कि और इसमें किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो और दूसरे जो मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो होते हैं लाने के लिए प्लीज कमेंट में बताइए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।